नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पांच ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बताऊंगी जो कि काफी रिच हैं। पहले लीडर की बात करूं तो वो है जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी 21 दिसंबर 1972 को आंध्र प्रदेश राज्य में पैदा हुए थे, जो भारत के सबसे अमीर पॉलिटिशियन हैं, जिनके पास कुल संपत्ति 863 करोड़ है। कड़ापा चुनावों में जगमोहन पहली बार इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर के तौर पे खड़े हुए थे। जगमोहन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के फाउंडर और लीडर थे, जिसका गठन 2011 में हुआ था। जगमोहन को सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस के दौरान दोषी पाया गया और उनको 16 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। दूसरे लीडर की बात करूँ तो वो है अभिषेक सिंघवी। अभिषेक सिंघवी प्रोफेशन से एक प्रसिद्ध लॉयर हैं और ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर थे। भारत में वे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही राज्यसभा में संसद के लिए एक सदस्य भी हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की। उन्होंने अपना पॉलिटिक्स करियर 1998 में राज्यसभा के इलेक्शन में खड़े होकर शुरू किया। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। अभिषेक सिंघवी के पास कुल संपत्ति 860 करोड़ रुपए है, जो उनको देश के अमीर पॉलिटिशियंस की लिस्ट में शामिल करती है। तीसरे लीडर की बात करूं तो वो है टागम टागर। टागम टागर इंडिया के रिचेस्ट पॉलिटिक्स कैंडिडेट में से एक हैं। उनको पेमा खांडू के सस्पेंशन के बाद अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया था। टागम टागर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए सबसे अमीर उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे और उनके पास कुल संपत्ति 1.87 बिलियन थी। चौथे लीडर की बात करूं तो वो है आनंद सिंह। आनंद सिंह कर्नाटक राज्य में एक भारतीय राजनेता है। वे कर्नाटक सरकार में पर्यटन मंत्री थे और दो बार कर्नाटक विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। वे भारत के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक हैं। वे 2018 के राज्य चुनावों में विजयनगर निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीसरी बार एमएलए के रूप में चुने गए थे। उनके पास 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में विजयनगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में विजयनगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आखिरी नाम की बात करूं तो वो है नामा नागेश्वरा राव। नामा नागेश्वरा राव 15 मार्च 1997 को जन्मे एक भारतीय राजनेता और 16वें भारतीय लोकसभा के मेंबर भी। लोकसभा के सदस्य बनने से पहले नागा नागेश्वरा राव ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मधुकोन प्रोजेक्ट चलाई थी। जब वे 2009 में लोकसभा के लिए उम्मीदवार थे तो उनकी कुल संपत्ति 1.73 बिलियन से अधिक थी, जिसने उन्हें सबसे धनी उम्मीदवार बना दिया। थैंक यू।